देश में यूसीसी के मुद्दे पर काफी लंबे समय से सियासी घमासान जारी होने के बीच राज्यसभा में शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश कर दिया। वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन लोकसभा में सदस्य सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक को पेश करके सियासी उबाल पैदा कर दिया। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बिल में मांग की गई है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। राज्यसभा में शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया, जिसका विपक्षी सदस्यों ने जमकर विरोध किया। बिल को पेश करने के बाद मतदान हुआ, जिसके पक्ष में 63 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के वादे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा ने यह प्रस्ताव रखा। आपको बता दें कि देश में इस मुद्दे पर काफी लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। इस बिल में मांग की गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। अब राज्यसभा में भी शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होता है। वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन लोकसभा में सदस्य सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक को पेश करके सियासी उबाल पैदा कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक के फायदे पर सदस्य सांसद रवि किशन ने कहा कि यह बिल एक नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सांसद रवि किशन ने कहा कि किसी भी देश की जनसंख्या अगर नियंत्रित है तो उस देश का बहुत तेजी से विकास करता है, सामाजिक व आर्थिक दशा तेजी से सुधरती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जनसंख्या पर निजी बिल पेश कर रहा हूँ। इससे आने वाली पीढ़ी को कई फायदे होंगे। बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के साथ ही अच्छी परवरिश हर वर्ग के लोगों के लिए संभव होगी। एक अच्छी परवरिश से बच्चे को शानदार व्यक्तित्व मिलेगा, जिससे उसका भविष्य बेहतर होगा और बेहतर व्यक्ति ही बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। रवि किशन ने कहा कि संसाधन का हम सभी अधिक लाभ ले सकेंगे और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण लगेगा तथा आने वाली पीढ़ी को फायदा होने के साथ समाज और विकास में समन्वय स्थापित होगा, साथ ही प्रकृति भी संतुलित रहेगी। विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं। 931 श्री रवि किशन जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने तथा उसे सशक्त या उसके संबंधित विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्थापित करें। मैं विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूँ।